हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय टेक्निकल सन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो खास करके जिसने एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने उस एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए एक जो गूगल अकाउंट है यानी जो जीमेल अकाउंट है, ठीक है, आप लोग उसको ईमेल जीमेल और यहाँ पर जो गूगल अकाउंट है वो भी यहाँ पर बोल सकते हैं, कैसे एक न्यू जीमेल अकाउंट यानी जीमेल आईडी क्रिएट करना है यानी बनानी है अपने उस एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए, उसके तरीके मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग एंड बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। सो मैं चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आ चुका मैं मेरे मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर एंड आप भी आपका मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आ जाइए। एंड मोबाइल फोन का स्क्रीन के अंदर आने के बाद सबसे पहले आप लोग फोन के अंदर जो प्ले स्टोर है, ठीक है, उस प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए या फिर जीमेल अकाउंट का जो यहाँ पर ऐप है वो भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आप लोग का कोई भी ऐसा मतलब जब आप न्यू फोन बाई करते हैं तो भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब प्ले स्टोर ओपन करते हैं तो वहाँ पर आप लोग साइन इन करने का एक ऑप्शन देखने मिलता है जब आपका फोन के अंदर जब इंटरनेट यहाँ पर ऑन करके उस प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो वहाँ पर सेम तरीके से मैं आप लोग यहाँ पर जो दिखाने लग रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से आप लोगों ने भी आपका इस फोन के अंदर, ठीक है, इस प्ले स्टोर को सबसे पहले ओपन करके आप न्यू जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो सिंपली आप लोग कहना क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टॉप के अंदर राइट साइड के अंदर एक आप लोगों को थ्री यहाँ पर देख सकते हैं आपका ईमेल आईडी का जो भी यहाँ पर लोगो है उस लोगो को देखने मिल जाएगा। उसके बाद सिंपली आप लोग को एक बार टैप करना होगा। अब यहाँ पर आप लोग को एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं एक थ्री यहाँ पर देखे, अभी यहाँ पर देख सकते हैं एक एरो का एक आइकन देखने मिल जाएगा। ये जो एरो का आइकन देखने मिल रहा है, ठीक है, उसके सिंपली आप लोग एक बार क्लिक करना है, ठीक है। अभी ठीक उसका नीचे अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऐड अनदर अकाउंट वाला एक ऑप्शन आ जाएगा। मैं आप लोग मार्केट दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ऐड अनदर अकाउंट। तो सिंपली उस ऐड अनदर अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपली एक बार क्लिक कर देनी है। उसके बाद सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद अभी आप लोग सामने यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से कुछ एक इंटरफेस आ जाएगा चेकिंग इन्फो वाला। अभी आपका फोन के अंदर यहाँ पर जो भी लॉक वगैरह लगा है उसके सिंपल डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पर लॉक नहीं है तो कोई भी यहाँ पर लॉक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। अभी ऑटोमेटिकली चेकिंग इन्फो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी इस तरीके से कुछ इंटरफेस अभी देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम उस फोन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ऐसे कुछ न्यू इंटरफेस देखने मिलता है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे की तरफ क्रिएट अकाउंट बोल के एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, ठीक है। आपको न्यू जीमेल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपली आप लोग को एक बार क्लिक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं फॉर माई पर्सनल यूज या फिर फॉर वर्क और माई बिजनेस, तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है उसके ऊपर सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए, ओके। एंड उसके ऊपर सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर देख सकते फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं मेरा खुद का नाम दे देता हूँ, मेरा पूरा नाम, ठीक है। तो पूरा नाम दे देने के बाद आप लोग कहना क्या होगा, सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट के ऊपर एक बार क्लिक करना है, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट के ऊपर सिंपली एक बार क्लिक कर दीजिए एंड अभी आपका यहाँ पर देख सकते डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका जो भी बर्थडे है वो सिंपली यहाँ पर दे दीजिए। तो मैं जैसे कि मेरा जो बर्थडे है वो मैंने यहाँ पर दे देता हूँ एंड बर्थडे यहाँ पर दे देने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली आपका यहाँ पर देख सकते जेंडर यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करके मेल दे देने हैं, ठीक है। उससे यहाँ पर देख सकते नेक्स्ट, ओके, ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन के सिंपली एक बार क्लिक कर दिए नेक्स्ट के ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते बहुत सारे ऐसा ईमेल यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आ चुका है आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर। अगर आप चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा कोई भी यहाँ पर ईमेल आपका मनपसंद यहाँ पर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर चूज करने के लिए तो वहाँ पर क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस वाला ऑप्शन के ऊपर सिंपली एक बार टैप करना है, ठीक है। तो अभी मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मेरा चैनल का जो नाम है उस चैनल के नाम के ऊपर मैं एक ईमेल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रोफेशनली तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टेक्निकल सन यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, ओके। तो आप जिसका यहाँ पर नाम के अंदर ईमेल बनाना चाहते हैं तो वो सिंपली डाल दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं टेक्निकल सन डाल दिया। अभी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं दैट यूजर नेम इज टेकन अनदर, इस नाम के अंदर ऑलरेडी मतलब कोई ना कोई यहाँ पर ईमेल अकाउंट जीमेल अकाउंट बना के रखा है, ठीक है। तो अभी सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर कोई भी एक नाम मैं यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, सिंपली वन दे देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए इस नाम के अंदर भी ऑलरेडी है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सिंपली फाइव यू कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट, अभी देखिए इस नाम के अंदर कोई भी यहाँ पर ईमेल एड्रेस नहीं बनाया है तो इसलिए मेरा यहाँ पर ऑटोमेटिकली अभी सिलेक्ट हो चुका है। अभी पासवर्ड यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर दीजिए, तो मैंने सिंपली कोई भी पासवर्ड मैं सिंपली यहाँ पर सेट कर देता हूँ। पासवर्ड सिलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अभी यहाँ पर ऐसे कुछ इंटरफेस दिखने मिल जाएगा। अभी आप चाहते हैं कि मोबाइल नंबर ऐड करने के लिए तो मोबाइल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं चाहते कि मोबाइल नंबर ऐड नहीं करना तो नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यस आई एम इन वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अभी यहाँ पर देख सकते हैं
टेक्निकसानू यहाँ पर 5eu@gmail.com। अभी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अभी इसके ऊपर सिंपली एक बार नेक्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर सिंपली आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ओके। एंड आई एग्री के ऊपर सिंपली एक बार क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल आईडी है, ठीक है, यानी जो जीमेल अकाउंट है, वो अभी आपका फ़ोन के अंदर साइन इन हो जाएगा। देखिए अभी फाइनली आपका जो जीमेल एड्रेस है वो यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। अब इसलिए मैं यहाँ पर जीमेल वाला जो है इसको ओपन कर लेता हूँ एंड मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। अभी जीमेल को ओपन कर लिया। देखिए अभी यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो जीमेल अकाउंट है technicalsan5@gmail.com वो फाइनली यहाँ पर जीमेल के अंदर आ चुका है। अभी आप लोग चाहते हैं जो ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी को कहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कॉम्पोज वाला ऑप्शन के क्लिक करके आप चाहते हैं कोई भी दूसरा व्यक्ति को ईमेल करने के लिए तो वो ईमेल भी भेज सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत आसान तरीके से आप लोगों ने उस ईमेल आईडी को बना सकते हैं अपने उस एंड्रॉइड स्मार्टफोन के यूज़ करके। ओके, आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ चुका होगा। कोई भी सवाल हो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बता सकते हो। एंड वीडियो चलेगी प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर नहीं हो तो फिर नीचे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट करिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा इस वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोग सबसे पहले मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।